सिक्किम को जितना डेवलपमेंट करना चाहिए था सिक्किम ने डेवलपमेंट नहीं किया। कि सिक्किम का जितना प्रॉब्लम था वो सभी प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहा है। एक बार 5 साल 5 ईयर्स भारतीय जनता पार्टी को आप मौका दीजिए आने वाले समय में 44वां स्थापना दिवस को उपलक्ष्य में पार्टी का संपूर्ण कार्यकर्तागण एवं सिक्किम में भी जन समुदाय में हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दन छ। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी के नेतागण से जो वक्ता हमसे पूर्व में आपको संबोधित किए हैं सारी बातों को उन्होंने आपके बीच रखा है। मैं उन सब बातों को रिपीट दोहराना नहीं चाहता। पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे सिक्किम प्रदेश का प्रभारी बनाया है। सो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप फॉर द सिक्किम स्टेट। तो मेरा फर्ज है कि पार्टी क्या चाहती है आपको बतलाना, कन्वे द मैसेज ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप टू द सिक्किम बीजेपी वर्कर एंड द सिटीजन ऑफ द सिक्किम। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास चाहती है। सिक्किम बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, सिक्किम पीछे रहेगा तो देश पूरी तरह से नहीं बढ़ेगा। सिक्किम इज द पार्ट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कंट्री, कंट्री का एक पार्ट उसी तरह है जैसे बॉडी का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। सिक्किम पार्टी को 44वां स्थापना दिवस को उपलक्ष्य में पार्टी का संपूर्ण कार्यकर्तागण एवं सिक्किम में भी जन समुदाय में हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दन छ। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी के नेतागण से जो वक्ता हमसे पूर्व में आपको संबोधित किए हैं सारी बातों को उन्होंने आपके बीच रखा है। मैं उन सब बातों को रिपीट दोहराना नहीं चाहता। पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे सिक्किम प्रदेश का प्रभारी बनाया है। सो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप फॉर द सिक्किम स्टेट। तो मेरा फर्ज है कि पार्टी क्या चाहती है आपको बतलाना, कन्वे द मैसेज ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप टू द सिक्किम बीजेपी वर्कर एंड द सिटीजन ऑफ द सिक्किम। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास चाहती है। सिक्किम बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, सिक्किम पीछे रहेगा तो देश पूरी तरह से नहीं बढ़ेगा। सिक्किम इज द पार्ट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कंट्री, कंट्री का एक पार्ट उसी तरह है जैसे बॉडी का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। हमारे इस मंच पर बहुत ही ईमानदार छवि, डेडिकेटेड, डिवोटेड
एंड न्यूली अपॉइंटेड सिक्किम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डी आर थापा साहब, जो यहां एमएलए भी हैं, सारी बातों को रखेंगे। सिपलैक के चेयरमैन, नागरिक संगठन के चेयरमैन चितिन तासी भोटिया साहब ने भी आपको सारी बातें बताई। एनके सुब्बा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ हाउस इन द असेंबली और एमएलए हैं, वो भी स्टेज पर आज इस कार्यक्रम में आपको संबोधित किए। इनके साथ साथ हमारे कुछ ऑनरेबल एमएलए हैं, वाईटी नेक्चा साहब, फरवंती मैडम साहबा, के एस लेपचा साहब, और आपने मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऑनरेबल जो लामा लॉकजैन, उनकी भी बातों को मैं सुन रहा था। अर्जुन राय जी, भरत दुलाल जी, सभी लोगों ने आपको संबोधित किया। और आज यहां पर पूरे सिक्किम से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हुए पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए जिला मंडल मंच प्रकोष्ठ, शक्ति केंद्र बूथ स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, और आज जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बड़ी संख्या में यहां मीडिया के दोस्त भी आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे आए हुए साथीगण। सिक्किम के बारे में अभी दो तीन बातें आई, और जब उन बातों को मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि सिक्किम का जितना प्रॉब्लम था वो सभी प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहा। पहला जो प्रॉब्लम था सिक्किम का, करप्शन, करप्शन कंटिन्यू कर रहा, फल फूल रहा है, उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब देकर करप्शन को जिंदा, पूरा अच्छे तरीके से जिंदा रखा जा रहा है। अगर करप्शन रहेगा तो सिक्किम कैसे बढ़ेगा? और दूसरी जो समस्या है सिक्किम का, यहां के यूथ को, यहां के आने वाले जेनरेशन का फ्यूचर क्या है, उस फ्यूचर की चिंता भी 1975 के बाद से जितनी भी गवर्नमेंट आई शायद नहीं कर पाई। और यही कारण है कि देश आगे बढ़ रहा है लेकिन सिक्किम उस स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहा। और चेतनता ने तो कहा कि इतने वर्षों से 1975 के बाद हमने रीजनल पार्टी को सिक्किम में सरकार बनाने दिया, और वो रीजनल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सिर्फ एजेंट का काम करती है, जो सिक्किम का अधिकार और सिक्किम का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं कर पाती। तो आज हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि क्यों नहीं, सबको देखा बार बार, अब की बार बीजेपी सरकार 5 साल के लिए, 5 ईयर्स, ओनली फॉर 5 ईयर्स, 50 साल, 48 साल तक को आपने चामलिंग साहब, गोले साहब को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सारे प्रॉब्लम वही के वही है। एक बार 5 साल, 5 ईयर्स भारतीय जनता पार्टी को आप मौका दीजिए आने वाले समय में। अगर 5 साल में आपको ऐसा लगता है कि 48 ईयर जो 1975 के बाद
सिक्किम को आगे बढ़ना चाहिए। अगर 5 साल में वो आगे बढ़ गया तो फिर सरकार लाइएगा, नहीं तो बंद करवा जाना। लेकिन एक बात ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी देखने में क्या फर्क पड़ता है, 48 साल पहले दूसरे को दिया, आगे भी 48 साल दूसरे को दे दीजिएगा, 5 ईयर्स बीजेपी को आप मौका दीजिए, सिक्किम का तकदीर बदल सकता है। जब अपने हाथ में है सिक्किम का तकदीर बदलना, तो फिर 5 साल हम क्यों नहीं ट्रायल लें बीजेपी को। जनता मालिक होती है, वोटर मालिक होता है। अगर आपको लगेगा कि नहीं बीजेपी सरकार 50 साल में जो सिक्किम को आगे बढ़ना चाहिए था अगर उसका भरपाई नहीं कर पाई, तो फिर सरकार को हटा देना। लोग कहते हैं बाहर की दल बाहर की पार्टी है, सिक्किम में अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कहां का बनेगा, सिक्किम का बनेगा। सिक्किम में अगर बीजेपी ने कोई मिनिस्टर बनेगा तो कहां का बनेगा, दिलीप जायसवाल तो मिनिस्टर है बिहार में, यहां तो मिनिस्टर सिक्किम के लोग ही बनेंगे, एमएलए भी सिक्किम के लोग बनेंगे। तो जब सिक्किम के एमएलए बीजेपी में होंगे, सिक्किम के मिनिस्टर बीजेपी में होंगे, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी में होंगे, तो फिर बाहरी पार्टी कहां से आ गया, बाहरी पार्टी कहां से आ गया जब सिक्किम के ही सभी लोग बीजेपी के नेता होंगे। एक बार मौका दीजिए बीजेपी को अगर चाहते हैं कि सिक्किम का तकदीर बदले। मैं तो जहां जाता हूं पूरे देश में फ्लाइट में जो भी मेरे बगल में कोई नेता बैठता है तो बोलता है गोले साहब बहुत अच्छा आदमी है। हमने कहा क्यों, मुझे उन्होंने बहुत मदद किया है। सिक्किम का सारा पैसा बाहर में लोगों को मदद हो और सिक्किम भूखा रहे, कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि बोलता है कि भाई गोले साहब ने हमको मदद नहीं किया। कमाल है भाई, सिक्किम का पैसा बाहर में मदद क्यों कर रहे हैं, सिक्किम के युवाओं को दे दो ना, इन सिक्किम के युवाओं को यहां के पैसे की जरूरत है, इस पैसा को दूसरे प्रदेश में खर्च मत करो। गोले साहब अलायंस में है, हमारे पार्टी के साथ में, इंसान भी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी भाषण देते हैं तो असंवैधानिक अनपार्लियामेंट्री हो जाते हैं। हिटलर का भी जो है अनपार्लियामेंट्री नहीं चला। जब किसी के पास ताकत हो पावर हो तो कभी भी उसे गलत बात माइक से बोलना ही नहीं चाहिए। उसको पीट दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, ये सब भाषा चीफ मिनिस्टर को अच्छा नहीं देता। सिक्किम का एक एक जनता, जब आप चीफ मिनिस्टर हैं सभी आप सभी के आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, सबको अधिकार है कि कोई एसडीएफ की राजनीति करे, कोई बीजेपी की राजनीति करे, कोई एसकेएम की राजनीति करे, लेकिन आपके पार्टी का खिलाफ अगर कोई करेगा आप उसकी पिटाई करवा देंगे। ये कौन सा राजनीति है भाई, ये क्या पॉलिटिक्स है। आप उसकी सिक्किम के उस गरीब भोली वाली जनता को अगर आप पिटवाने का काम करेंगे तो ऊपर वाला का पिटाई भी बहुत खराब होता है बोले साहब। जिस दिन ऊपर वाले की पिटाई लग गई तो सिक्किम में यही जनता के बीच आप कहीं के नहीं रहेंगे, देखने वाला भी कोई नहीं। अगर है हिम्मत तो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता पर आंख उठा के भी देख लो, वो आंख गलत नजर से देखने का प्रयास कर लो। एक बार दुनिया जानती है
कि आप कितने बड़े काली कोठी में रहते हैं। दिल्ली में सिसोदिया भी बहुत अपने आप को ईमानदार कहता था, आम आदमी पार्टी का नेता था ना सिसोदिया, अभी कहां है? गलत फहमी में मत रहो, गलत फहमी में मत रहो कि हम जो चाहे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री बनकर कोई हिटलर नहीं बन सकता है, क्योंकि हिटलर का राज नहीं चलता। सेवा करो, सिक्किम की जनता की सेवा करो। एसडीएम को भी राजनीति करने दो, बीजेपी को भी राजनीति करने दो, सबको अधिकार है राजनीति करने का। उसकी पिटाई करके तुम चाहोगे कि आगे बढ़ेंगे तो यह संभव नहीं। माफी मांगो जाकर एसडीएम के उस कामकर्ता से जिसके ऊपर एसडीएम के लोगों ने गलत काम करने का काम किया है। मैं बीजेपी की बात करता लेकिन मैं एसडीएम की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो भी सिक्किम के रहने वाले लोग हैं, उनको अधिकार है किसी भी पार्टी में रहने का। बोले साहब, भगवान कभी माफ नहीं करेगा अगर इस तरह का खून खराबे का शासन चलेगा। तो एलायंस में मैं ये नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इंसान पावर में आकर कभी कभी अपना रास्ता बदल देता है। बीजेपी को 5 साल सिक्किम को बढ़ाने का मौका दीजिए। 5 साल में अगर सिक्किम का तकदीर और तकदीर नहीं बदला तो फिर 5 साल बाद बीजेपी को कभी जिंदगी में सिक्किम में राजनीति भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई बाहरी दल नहीं है, 371F का कोई बाल बाका नहीं उड़ा सकता है। ये अमित शाह ने भी कहा है, पीयूष गोयल भी अभी आए थे जो कि राज्यसभा में हमारे नेता हैं और 6 विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि 371F इज फ्रेंडशिप। कोई दोस्ती तोड़ता है क्या? 371 इज फ्रेंडशिप, दो दिलों का मिलन है, उस दो दिलों के मिलन को कोई तोड़ता नहीं। क्यों बेवकूफ बनाते हो सिक्किम के जनता को कि 371F को भी छेड़ेगा लो? कोई नहीं छेड़ सकता है। अगर जरूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गैंगटॉक में आकर अपने हाथ से फ्लैश में लिख देंगे कि 371F इज फ्रेंडशिप। एक ही बात को बार बार बोलकर जनता को भड़काकर राजनीति करने का काम बंद करो। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं भी सीमा की राजनीति करता हूं, किशनगंज 18 वर्षों से वहां से चुनाव जीतता हूं। बीजेपी ने राजनीति करके 74% वहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, 74% मुसलमान भाइयों के बीच पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतता हूं। मेरा वोटर कितना है मालूम है? 50 लाख, 50 लाख वोटर के चुनाव से मैं जीतता हूं। 3 पार्लियामेंट, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, और उसका मैं लोकल बॉडी का और लीडर्स का लीडर हूं। और सभी मुसलमान भाई मुझे वोट देते हैं, खुलकर वोट देते हैं। कभी कभी मोदी जी भी पूछते हैं हमसे कि भाई जायसवाल, बीजेपी को मुसलमान वोट देता है, ये तो तुम ही कर सकते हो। गोले साहब, आप भी बीजेपी को वोट दीजिएगा, चिंता मत कीजिए। इस बार सिक्किम में यहां के युवाओं को सोचना पड़ेगा
इसके दिन का तकदीर बदलने के लिए एक बार 5 साल के लिए बीजेपी को लाना है। हमारा एजेंडा तैयार है, हम आने वाले समय में एक एक बूथ तक, गांव गांव तक जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे कि 5 साल बीजेपी को दो और सिक्किम को 50 साल के बराबर आगे बढ़ाने का काम करें। मित्रों, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, समय बहुत हो गया है। थापा साहब को बोलना अगली बार हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सिक्किम में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल पीपल ऑफ सिक्किम, दैट इज सिक्किमीज। सितेंद्र भी अभी माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर बन गए, पैनल मेंबर। बहुत बड़ा पद है इनका, सीएम के बराबर है, लेकिन चिकित्सा ने बोला कि नहीं, मुझे तो सिंपल पर्सन पर के ही काम लेना है। आई वॉन्ट टू डेवलप द माइनॉरिटीज। इसलिए मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.